सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन को लेकर किया प्रदर्शन, निजी कंपनी को बढ़ावा देने पर रोक लगाने की। प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी धीरज ओझा ने निकाली बाइक रैली, रैली में दिखा जनसैलाब, भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। बांदा में खेत में मिला महिला का शव, शव मिलने से मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में ड्यूटी पर जा रहे कांस्टेबल ने किया फायर, साथ ही कांस्टेबल के पैर में लगी गोली, कांस्टेबल की लापरवाही के चलते हुआ बड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, आगरा में वाल्मीकि समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों का जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। आगरा के संविदा कर्मचारी ने आउटसोर्सिंग, सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने और निजी कंपनियों को बढ़ावा देने पर रोक लगाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। वाल्मीकि समाज ने नगर निगम और जलकर विभाग पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वेतन को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। जिला मुख्यालय की बहुत बड़ी वजह है जो कि ये हमारी तानाशाही सरकार है, वर्तमान में हमारे वाल्मीकि समाज के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करी जा रही है। पिछले काफ़ी वर्षों से ये निजी कंपनियों को हमारे कार्य, जो सफाई का कार्य होता है, सौंपते चले जा रही है। उन कार्यों को तो सरकारी विभागों में सौंप दिया, लेकिन जो हमारा पुरखों का काम है मोहल्ला बस्ती, विशेष तौर पर जो मोहल्ला बस्ती हमारी जैसे बहन बेटियाँ हैं ये करती हैं, उससे ही अपने बच्चों का पेट पालती हैं और सब कुछ खर्चा पानी पढ़ाई लिखाई जो कराना है बच्चों को उससे ही कराती हैं। उसमें भी तमाम तरह की कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन लाकर और मोहल्ला बस्ती में छोड़ा जा रहा है और ये अत्याचार बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। इसको हमारा संगठन कतई नहीं सहेगा, इसका पुरजोर विरोध करेगा। अभी हमने डीएम को ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी हम आगे सख्त से सख्त निर्णय लेके और भी प्रदर्शन करेंगे। आज जो हमारे समाज के लोग वर्षों से अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे थे, जिस तरह से मोहल्ला या वृद्धदारी करके आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तभी से इन लोगों ने प्राइवेट कंपनियों को ला कर डोर टू डोर कंपनी के नाम से इन लोगों का रोज़गार छीनने का काम किया जा रहा है। अगर इनको काम से हटाने की बात होती है तो इनके साथ मारपीट, अभद्रता की जाती है, गाली गलौज की जाती है। उसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं, तमाम तरह का लाखों रुपए का चूना नगर निगम को भी लगा के जाती हैं। फिर भी क्या वजह है सरकार की कि इन कंपनियों को ला करके हमारे समाज के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारी मांग है जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी पैर धो धो करके दिखाते हैं कि हमारे वाल्मीकि समाज के वाल्मीकि समाज के हितैषी हैं, जब से सरकार बनी है तब से हमारे समाज के साथ उत्पीड़न लगातार जारी है। लोगों के रोजगार छीनने का काम किया है, सारी सरकारी नौकरी खत्म करके प्राइवेटाइजेशन का काम किया जा रहा है। ये हमारी माता बहनें जो अपने मोहल्लों में काम कर रही हैं और इनके मोहल्लों में प्राइवेट कंपनी जो घुसेड़ी गई है, जो पार्षद और मेयरों की मेहर है, इस टाइम पे वो बोलते हैं कि इन्होंने भेजा है और मानते नहीं हैं, ज़बरदस्ती घुस जाते हैं और महिलाओं के साथ में बहुत परेशानी करते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं और उसमें फिर ये बेचारी महिला परेशान होती हैं। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कलेक्ट्री पे अपना कहने, अब देखो आगे की ये नहीं मानते हैं तो फिर इनके लिए इनके हाल पे छोड़ा जाएगा और इनके साथ जो हमें तो होएगा, हम मारपीट जैसा भी बने हम वो करेंगे इनके। दर्शकों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही, ऐसे में कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। ऐसे में तमाम बयान भी निकल कर सामने आ रहे हैं। अब हार के डर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा नेता हताशा में मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उलूल जुल बयान दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश में बीजेपी सरकार नौजवानों, किसानों और आम आदमी पर जो अत्याचार हुआ उसे भूला नहीं है। मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, किसानों का अपमान और प्रदेश में बढ़ा अपराध और लोगों की घटी आय, जनता कांग्रेस और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का सफाया करने जा रही है। किसने कही है ये बात देखिए जरा। अब हार के डर से भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर और उधर की बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी अपने क्षेत्र की लोकसभा सीट हार गए और उसके बाद महंगाई को लेकर 10 रुपए कम हुआ। लोगों को यह बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर ही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है।
प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई, उत्तर प्रदेश के लोग इन मुद्दों को भूले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश करे मुद्दों से ध्यान भटकाने की, प्रदेश का नौजवान तो अपने मुद्दों पर सवाल कर रहा है। और सरकार भाजपा की है केंद्र और राज्य में, तो क्या किया आपने? सिर्फ आप मंचों से आरोप? जनता इतनी नासमझ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बदलाव होने जा रहा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शुक्रवार को जिले की रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा ने व्यापक जनसैलाब के साथ बाइक रैली निकालकर क्षेत्रीय अन्य दलों को भाजपा की ताकत का एहसास करा दिया। रानीगंज क्षेत्र में स्थित केंद्रीय भाजपा कार्यालय से रैली की शुरुआत की। रैली रानीगंज बाजार, लक्ष्मीपुर, जामताली, बीजापुर आज मुख्य बाजारों से होते हुए कार्यालय पर समाप्त। खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा धर्म प्रांत के लिए निर्वाचित धर्माध्यक्ष डॉक्टर अंतोनीश बड़ा का धर्माध्यक्षीय अभिषेक समारोह आज अंबिकापुर स्थित बेदाग ईश माता महागिरजा घर नवापारा के प्रांगण में संत पापा फ्रांसिस के प्रतिनिधि लियोपोल्डो जिरेलू, आर्च बिशप हेनरी ठाकुर, आर्च बिशप फेलिस्क टोपो व बिशप पतरंज मिन्स की अगुवाई में समंत अभिषेक अनुष्ठान संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद बिशप पतरस मिंज के द्वारा देश विदेश से पधारे मंच पर विराजमान अतिथियों के स्वागत सम्मान में उद्बोधन दिया गया। इसके बाद अभिषेक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अनुष्ठान के दौरान ही मंच पर उपस्थित सभी आर्च बिशप व बिशप के द्वारा निर्वाचित बिशप के सिर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न धर्म प्रांतों के 30 बिशप सहित 4 आर्च बिशप सहित कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव, कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत, बालकृष्ण पाठक, शफी अहमद, महापौर अजय तिर्की, जिला पंचायत के अध्यक्षा मधु सिंह, उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, श्यामलाल जायसवाल, अशफाक अली, होली क्रॉस सिस्टर डायना, राजेंद्र तिग्गा, मनोज अजय खलखो, अरुण मेंज, भानु खलखो, पुरोहित, धर्म बहने और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वहीं बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में खेत में महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पहुंच गए और फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड भी पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। फिरोजाबाद के टूंडला के किशन यादव भी यूक्रेन में फंस गए हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब टूंडला के रहने वाले किशन यादव भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। एमबीबीएस के छात्र हैं किशन, साथ ही फिरोजाबाद के टूंडला के मोहम्मदाबाद निवासी हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले को लेकर परिजन अब चिंतित हैं। दर्शकों, यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए युद्ध ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। यूक्रेन पर रूस के हमले की आंच अब यूपी तक आ पहुंची है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के चलते प्रदेश के कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में ही फंस गए हैं। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं में जौनपुर की एक बेटी भी शामिल है। जौनपुर की बेटी 4 वर्ष पहले यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गई थी। रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ते ही जौनपुर के इस परिवार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध को देखते हुए परिवार वालों ने अपनी बेटी से फोन पर बातचीत की तो बेटी ने वहां का भयावह मंजर बताया है। जौनपुर की बेटी सुरक्षा को लेकर पीड़ित परिवार में चिंता बढ़ गई है। वहीं खेतासराय क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी डॉक्टर गजेंद्र पांडे की पुत्री गरिमा पांडे, वह इस समय यूक्रेन के डेनिप्रो यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस चतुर्थ वर्ष की छात्रा है। यूक्रेन पर हमले की खबर से माता पिता समेत अन्य परिजन काफी परेशान है। हर समय उसके कुशल क्षेम के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। पिता गजेंद्र पांडे ने भारत सरकार से बेटी समेत अन्य भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने की मांग की है। परिवार दुखी है,
परिवार से आते हैं हमारी बच्ची सही सलामत अपने। क्या चाहती हैं सरकार से आप? सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी बच्ची अच्छे से आ जाए अपने घर। बात होती है बेटी साहब? हाँ जी बराबर बात होती है। कहती है मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं बड़ी मम्मी हूँ उसकी। कहती मम्मी मैं ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपको? सुषमा पांडे। शाहपुर खेतासरा जौनपुर। यूक्रेन और रूस में जो बमबारी विगत 2 दिन से चल रहे हैं, ये पूरा परिवार भय का माहौल व्यापित हुआ है। और मैं जो है इस वार के समय मैं पूर्ण आश्वासन है, पूर्ण आश्वस्त हूँ, क्योंकि जो इसके पहले जब मोदी सरकार जी अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया अत्यधिक अनेक देशों से बेहतर ऑपरेशन करके सभी भारतीयों सुरक्षित वापस लाया गया है, हम लोग पूरा परिवार आश्वस्त हैं। माननीय मोदी जी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री सबसे आश्वस्त हैं कि विगत 2-3 दिनों में एक कठोर निर्णय लेकर पुनः भारतीय को स्वदेश वापस लाया जाएगा। जी बहन से बराबर वार्तालाप की जा रही है, उनसे संपर्क बनाया जा रहा है। वहाँ पे जो है कुछ अभी परिस्थिति कठिन है, वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं जो बंद कर दी जा रही हैं, खाने पीने की और सामग्रियों की जो है मारामारी की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच में उन्होंने अपने 2-3 दिन 4-5 दिन का खाने का स्टॉक रख लिया हुआ है। हम लोग जो है उनसे जो है यही कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप घर में रहिए और ज़्यादा जो है बाहर के चक्कर मत पड़िए, अपने हॉस्टल में कैद रहिए। हमारा यही कहना है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से और भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह से, हमारी बेटी सहित जो 15,000 छात्र वहाँ फंसे हुए हैं वो सकुशल भारत वापस लाए जाएँ। बेटी से कुछ बात उचित हुई थी क्या बताई हुई? बेटी से तो बात हो रही है, लेकिन बेटी हमारी बहुत घबराई हुई है, बहुत दहशत में है और बहुत चिंतित है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो कब गई थी और क्या कर रही है? और हमारी बेटी सन 2018 में MBBS करने के लिए गई थी, उसका 4th ईयर इस साल है। अभी पिछले 18 जुलाई को भारत वापस आई थी और 14 अक्टूबर 2021 को वह जो है यूक्रेन वापस गई। इधर भी अखिलेश यादव के देश छोड़ने को लेकर सपा MLC सुनील सिंह यादव साजन का एक ऑडियो वायरल हुआ है। बस्ती सदर से सपा प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव से बातचीत का ये ऑडियो वायरल हुआ है, जिसको आपको सुनवाते हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर एक्सक्लूसिव। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है महेंद्र? चुनाव कैसा है? सब बढ़िया भैया, लगे हैं एकदम से। अरे भैया बस एक पूछना था, कुछ न्यूज है कुछ चल रहा था। अच्छा क्या? अरे अकेले में है क्या? न्यूज में चल रहा है कि भैया जी जा रहे हैं लंदन। नहीं फालतू बात है, ये सब बातों ध्यान ना दिया करो है। हर जी बातों पर ध्यान दे रहे हो तुम, ना ध्यान दो। थोड़ा डर लगता है ना भैया। क्या डर लगता है? अरे कोई नहीं जा रहा है, वही हम रात भर नींद नहीं आई हमें ये बात सुन के। अच्छा हाँ भैया, ये तो कहाँ हो अभी? अरे भैया हम तो क्षेत्र में ही है। सुनो सुनो सुनो, ऐसा है किसी के साथ मतलब किसी के साथ तो नहीं हो ना? नहीं नहीं ना। ठीक है, देखो 3 दिन से अमोल लगे हैं कि अध्यक्ष जी से जो है समय थोड़ा मिल जाए, है ना, बात बात हो रही तो पता चली क्या चल रहा है। फिलहाल टिकट तो वही बुक करा है उनका एजेंट जो भैया की अमेरिका और इन सब की टिकट बुक करता है। अच्छा। और मैं करूँगा तो 2018 में ही ले लिए रहे वहाँ पे बंगला। देखो अब डर तो क्या है, अब ऐसे तो हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा ना कि ऐसे अगर वो चले गए तो भाई हम लोग तलाश हो जाएंगे। वही बात है भैया, अब आप लोग इतना डर रहे हैं तो हम लोग नहीं। देखो डर नहीं कोई बात नहीं है इसमें, हाउस सीट में तो कोई दाग नहीं है, लेकिन अगर चले गए भैया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष जी से बात होने दो तुम्हारी, है ना, समझ रहे हो, पूरा बात किया जाएगा यार, ऐसे थोड़ी ना चले जाएंगे, इतनी बड़ी अपनी पार्टी है, ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं करने वाली कोई बात नहीं है। वो कर रहे हैं, देखो तुम टेंशन ना लो, सब लोग जब बात करेंगे, सब लोग एक साथ होंगे, पूरी बात बात होगी, ऐसा कोई ऐसा थोड़ी ना डरने वाले की बात नहीं है, तुम लोग चुनाव ध्यान दो, समझ रहे हो। अरे क्या बात करें, जान लीजिए अगर चुनाव आ जाए हार गए हम। सुल्तानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर से सटे कटका के कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र बना रहा एक बुलडोजर।
पांच बुलडोजरों की कतार और संगीत मंच कार्यक्रम में चर्चा का विषय बना रहा है ये बुलडोजर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार बीजेपी के बड़े चेहरे यहां चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। पीलीभीत में ड्यूटी पर जा रहे कांस्टेबल को फायर लगी है। राइफल चेक कर रहे कांस्टेबल की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। साथ ही कांस्टेबल के पैर में गोली लगी, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ने तत्काल लापरवाह कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। थाना जहानाबाद का ये पूरा मामला है। दर्शकों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल से हमले हो रहे हैं। इस युद्ध के बीच आगरा के शास्त्रीपुरम निवासी श्रेया सिंह भी यूक्रेन में फंस गए हैं। शास्त्रीपुरम निवासी लोकेंद्र सिंह की बेटी श्रेया सिंह यूक्रेन के इवानो फ्रेंकविक्स शहर स्थित इवानो फ्रेंकविक्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रही थी। वह फोर्थ ईयर की छात्रा थी। उनके साथ ही उनकी मौसी की बेटी सहारनपुर निवासी निहारिका सिंह भी यूक्रेन में MBBS की छात्रा है। आज श्रेया की ईद या वापस आने की फ्लाइट थी, लेकिन युद्ध छिड़ने के बाद फ्लाइट कैंसिल हो गई। जब युद्ध की जानकारी श्रेया के परिवारजनों को हुई, तब से वह लगातार श्रेया से वीडियो कॉलिंग के जरिए हालचाल ले रही हैं। वहीं सुबह से श्रेया के घरवाले चैनल पर रूस और यूक्रेन युद्ध की न्यूज़ भी देख रहे हैं। बुंदेलखंड के बांदा जनपद में सर चढ़कर बोल रहा है अवैध खनन। NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही, जबकि NGT के नियमों के अनुसार 3 मीटर गहराई तक खनन किया जाना चाहिए। बालू माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि 30 मीटर गहराई तक बालू खनन किया जा रहा है। बालू से लदे ओवरलोड ट्रक निकाले जा रहे हैं। जहां रोड को बनाने में करोड़ों अरबों रुपए सरकार खर्च करती है, वहीं महज 6 महीनों में रोडों पर गड्ढे नजर आने लगते हैं। जिला प्रशासन की मिलीभगत से अछरोड खदान में यह अवैध खनन हो रहा है। अछरोड खंड संख्या 1 में यह अवैध खनन नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे हालात में कई भारतीय यूक्रेन में फंस गए हैं। इनमें से बरेली के दर्जन भर से ज्यादा छात्र छात्राएं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के दौरान फंसे हुए हैं। ये सभी अपने देश लौटना चाहते हैं। इसको लेकर परिवार के लोग भी बेचैन हैं और अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। हुकूमत से अपने बच्चों को वतन बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में पढ़ाई करने गया बरेली के आंवला निवासी मेडिकल छात्र अभय प्रताप सिंह ने वीडियो वायरल कर यूक्रेन के हालात बताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अभय ने बताया है कि रूस की सेना ने एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। एयरपोर्ट से कोई भी फ्लाइट नहीं चल रही है। हेलो, माय नेम इज आयुष वर्मा। हेलो, माय नेम इज दीपक कुमार पात्रा। हेलो, माय नेम इज रंजन राज। अभय प्रताप सिंह फ्रॉम यूपी। हम सब यहाँ पे बोगमलेट्स में हॉस्टल नंबर 7 में कीव में रुके हुए हैं। हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है जाने का। एम्बेसी को हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, पर अभी कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमें कोई रिस्पांस दे और हमें इवैक्यूएट करने की पूरी कोशिश। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं इंडिया में यूपी बरेली आंवला में रहने स्टूडेंट इन खारकिव नेशनल मेडिकल कॉलेज एलिप्सन यूक्रेन इन खारकिव। आज मेरी फ्लाइट थी सुबह 11 बजे 24 तारीख एयर इंडिया, जो इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू भेजी जा रही है बच्चों को लिफ्ट कराने के लिए। दूसरी फ्लाइट थी तो रात 11 बजे हमने बस ली थी और सुबह 5 बजे बस ने हमें एयरपोर्ट पे उतारा था। बट सुबह 5 बजे उतर के हम एयरपोर्ट के अंदर जा ही रहे थे, तभी एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने हमसे बोला कि यहां से भागो, यहां रूस ने कब्जा कर लिया। तो हम वहां से भागे। हमें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हमने अपना सारा सामान छोड़ दिया वहीं पे और हम लोग वहां से भागे। रोड पे भाग रहे थे, सभी लोग भाग रहे थे, यूक्रेन के लोग भी थे, सब लोग वहां से भाग रहे थे और हम भी रोड पे नीचे ओवरब्रिज था तो उसके नीचे खड़े हो गए थे। कुछ देर बाद फिर वापस आए थे कि शायद एयरपोर्ट खुल गया हो, क्योंकि हमारी फ्लाइट थी, बट एयरपोर्ट फिर भी बंद था। और हमने वहां से फिर दूसरी बार में अपना लगेज लिया और हम लोग वहां से भागे। लगभग 2 या 3 किलोमीटर हम लोग पैदल चले होंगे। उसके बाद हमें बस मिली। हम लोग बस में बैठे, बस हमें नहीं पता था बस हमें कहाँ छोड़ेगी।
बट फिर भी हम उसमें बैठ गए क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं था। फिर बस ने हमें मेट्रो स्टेशन पर उतारा, वहाँ हमें और भी बच्चे मिले इंडियन स्टूडेंट्स, तो उनके साथ में हम मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन फिर हमने अपने एजेंट कंसल्टेंसी जिसके थ्रू मैं यहाँ आया था उनसे कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने बताया कि बोगो मिलेट्स हॉस्टल में जाओ, हॉस्टल नंबर 7 इन कीब। तो फिर हम लगभग वो रेलवे स्टेशन से 7 या 8 किलोमीटर था, तो हम वहाँ आए पैदल चलते हुए। फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने हॉस्टल में बोला कि ऐसे ऐसे हमें भेजा गया है, तो काफ़ी देर का लगभग 2 घंटे के बाद लोगों ने हॉस्टल में एंट्री दी। तो फिर कहीं जाके हमें रूम मिला, बट इंडियन एम्बेसी से सुबह जब हमें एयरपोर्ट से भागना पड़ा था उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, उस टाइम इंडियन एम्बेसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। अब इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट हुआ है, बट हम लोग यहाँ हॉस्टल में हैं, घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, घर पर सब लोग बहुत परेशान, फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। और मेरे साथ में, मैं अकेला ही नहीं, मेरे रूम में 4 लोग हैं, हम 4 लोगों ने एक साथ फ्लाइट बुक की थी। मेरा नाम निर्मेश कुमार सिंह है और मैं यहाँ औला बरेली से रहता हूँ। मेरा बेटा अभय प्रताप सिंह मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गया हुआ था, खारगिव यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन था और 24 तारीख को उसकी फ़्लाइट थी, वहाँ से निकला था। और जब 24 तारीख को फ्लाइट थी उससे 2 घंटे पहले लगभग वहाँ हमला हो गया, आक्रमण हो गया, तो वहाँ फंस गया है वो कीब में। वहीं कन्नौज राजकीय मेडिकल कॉलेज में वेतन न मिलने से नाराज इंटर्नशिप कर रहे छात्रों ने हंगामा काटते हुए प्रदर्शन किया है। ओपीडी के सामने प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि उन्हें 5 महीनों से वेतन नहीं मिला और ना ही कोविड-19 के दौरान की गई ड्यूटी का पैसा मिला है, जबकि अन्य कॉलेजों को पैसा बांटा जा चुका है। कई बार कॉलेज प्रशासन को लिखित रूप से अवगत भी कराया गया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने वेतन नहीं तो काम नहीं का भी ऐलान कर दिया। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएस मतोलिया ने बताया है कि अभी तक बजट नहीं आया था इसलिए देरी हो गई, अब बजट आ गया है, जल्द ही छात्रों के सभी भुगतान कर दिए जाएंगे। हमने आंदोलन किया है क्योंकि हमारे को 5 महीने से हमारा वेतन नहीं मिल रहा है। हमें कोविड में काम कराया जा रहा है, हम पॉजिटिव हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, मगर कोविड के प्रशासन का जब हम रवैया देखते हैं अपने वेतन के उस पे, तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं तुम गुंडे ही दिखा रहे हो। आप लोगों ने प्रशासन से बात की क्या? प्रशासन से हमने तीन बार बात करी है। हमें हमेशा ये कह के भेज दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि 1 हफ्ते बाद आएगी। 1 हफ्ते बात करते करते वो आज 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने तक ना कोई सैलरी आई है ना प्रशासन आया है। हमें बार बार कहा जाता है कि तुम्हारा पैसा आ जाएगा, तुम लोगों की जो सैलरी है वो जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। और हमें ये भी कहा जाता है कि दूसरे कॉलेज में हम लोग कहते हैं कि आप पता करके सर हमें बता दीजिए कोविड का पैसा, जैसे उन लोगों को मिल गया हमें भी दिलवा दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने भी इसमें ड्यूटी की है। ऐसा तो नहीं है कि सर हम लोगों ने कुछ गलत किया है, आपने जहां ड्यूटी लगाया वहां हम लोगों ने ड्यूटी किया, उसके बाद भी पैसा देने में ऐसा लग रहा है कि अपने घर से कोई दे रहा है। तो ये सब सर, ये सब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको नहीं देना तो आप दे दो, कह दो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आपको देना है तो आप दे दो। इतने दिन से हम लोग को 3 बार 4 बार कहते हैं 1 हफ्ते में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, आप ये कंफर्म बता दो कि अगले महीने में पैसा आ जाएगा। सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में बृहस्पतिवार की शाम को करीब 8 बजे आंधी तूफान व भारी ओलावृष्टि से किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है, जिसमें किसानों की गेहूं, गन्ना, सरसों, आम व सब्जी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अचानक आई आंधी तूफान, बरसात व भारी ओलावृष्टि से कई दर्जन गांवों के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि खेतों में खड़ी सरसों, गेहूं व गन्ने की फसल तैयार है, खेतों में अभी तक कई कई फीट बर्फ जमा हो गई है, जिस पर ओलावृष्टि का बड़ा प्रभाव पड़ा है। भयंकर ओलावृष्टि से तहसील बेहट के सड़ोली कदीम के किसानों का भारी भरकम नुकसान हुआ है। क्या कुछ कहना है किसानों का, देखिए जरा। नाम सतीश सानी, गांव सड़ोली कदीम। क्या मामला है भाई? ओलों का मामला, खेतों में आए हुए फसलों को देख रहे हैं अपनी, फसलों में नुकसान है बहुत ज्यादा, इस वजह से जो है किसान परेशान है, ओला हर चीज में नुकसान कर गया। हाँ, अब तक निकला जाए 13-14 घंटे होने को जा रहे हैं, उससे गड़ा नहीं है। किन किन फसलों को नुकसान है? इसे सरसों को है जी, गेहूँ को है, बरसी को है, गन्ने को है, बाग को है, हर चीज को नुकसान है जी। क्या मांग करते हैं बस जी? कोई मुआवजा मिल जाए, सरकार दे दे कोई। गांव
क्या मामला है? ये ओले का मामला, ओले ने फसल का नाश कर दिया ने। किन किन फसलों को ज्यादा नुकसान है? सरसो है, गेहूँ है, गन्ना है। क्या मांग करते हैं शासन से? कुछ भी मतलब सरकार मुआवजा मिल जाए, इसका नुकसान कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, इसका मुआवजा दे दे सरकार गवर्नमेंट। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।